आज की वायरल खबर है बिहार के सासाराम से। सासाराम के शाहजमा मोहल्ले में स्थित एक निजी क्लिनिक में एक घायल बंदर अपने बच्चे को गोद में लेकर इलाज के लिए पहुंच गई। ये घटना अब कौतूहल और चर्चा का विषय बन चुकी है। बताया जाता है कि शाहजमा मोहल्ले में डॉक्टर एसएम अहमद के मेडिको नामक क्लिनिक में दोपहर के सन्नाटे के दौरान अचानक कहीं से एक बंदरिया अपने कलेजे में एक छोटे से बच्चे को लगाए आ गई और मरीज वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। इस बंदरिया के चेहरे पर चोट के निशान थे, शायद किसी ने उसे पत्थर मार दिया था जिससे वो घायल हो गई थी और वो खुद इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई थी। इस अजूबे को देखने के लिए वहाँ भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर एसएम अहमद ने बताया कि पहले तो वो खुद ही थोड़ा डर गए थे, लेकिन उसके चेहरे के जख्म को देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये जानवर घायल है और इलाज के लिए उनके पास आया है। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर ने जब उसे टिटनेस का इंजेक्शन दिया तो उसने उसे आराम से लगवाया, साथ ही चेहरे के चोट वाले घाव पर भी दवाई लगवाई। वहीं काफी देर तक पेशेंट वाली टेबल पर जाकर बंदरिया लेट गई। इस दौरान अपने नन्हे बच्चे को वो कलेजे से लगाए रखी। सबसे बड़ी बात ये है कि क्लिनिक में इस दौरान दूसरे पेशेंट बैठे हुए थे, उन्होंने ना तो डॉक्टर और ना ही जानवरों को किसी तरह डिस्टर्ब किया। थोड़ी देर में डॉक्टर एसएम अहमद के क्लिनिक के आगे तमाशबीन बच्चों राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इलाज की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद डॉक्टर साहब ने जब भीड़ को वहां से हटाया तो आसानी से अपने बच्चे को लेकर बंदरिया वहां से निकल गई। ये पूरा माजरा कौतूहल से भरा था। डॉक्टर खुद अचंभित हैं।